सी है, इसको आप चाहते इस तरीके से काट सकते हैं। अजवाइन भी ले लिया है तो हम ये इसके अंदर डाल देंगे। बढ़िया से हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एकदम चटपटा सा आंवले का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस अचार को बना के आप सालों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवला का चटपटा अचार। आंवला अचार बनाने के लिए सबसे पहले मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने सौंफ ली है। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच भर के इसमें मस्टर्ड सीड्स लेंगे, यानी कि सरसों ले लेंगे ब्लैक वाली।
और 1 चम्मच भर के मैं इसमें पीली वाली राई ले रही हूँ। आपके पास ब्लैक मस्टर्ड सीड्स नहीं है तो आप ये पीली वाली सरसों, पीली वाली राई यूज़ कर सकते हैं, इसका भी अचार बहुत अच्छा बनता है। 1 चम्मच भर के जीरा लेना है, 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत धनिया। साबुत धनिया नहीं है तो आप धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में यूज़ करेंगे। मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो आंवला लिया है, इसको धो लिया है। आंवले के अंदर इस तरीके के आंवले हैं, अगर हल्का सा पीला है, सड़ा हुआ आंवला है कुछ है तो उसे निकाल दीजिए। इस तरीके से हल्का सा दाग है तो उसको आप चाकू से हटा सकते हैं। अगला आंवला इसमें नहीं डालना है, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। ज़रा सा भी सड़ा है तो हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे सारे आंवले मैंने चेक कर लिए हैं, सारे आंवले बहुत सही हैं। आंवलों को हम पानी में डालेंगे एक बर्तन में और इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है हाई फ्लेम पर। इसके बाद जो मसाले हमने तैयार करे थे उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हल्का सा मीडियम फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे भूनना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है मसालों के भुनने की। बस इतना ही इसको भूनना है। निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके दरदरा सा इसको पीस लेंगे। मसाला तैयार हो गया है। आंवला मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और आंवला जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल लेंगे, मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छी तरीके से गरम करेंगे, एकदम धुआं उठने तक इसको गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से धुआं उठने लगा है, बहुत अच्छे से गरम हो गया है ऑयल। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये मसाले मैंने मिक्सी में चला के पीस लिए हैं ठंडा होने के बाद। इसके अंदर भी कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भर के इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल दिया है। और इसके बाद इसमें तीखी वाली लाल मिर्च भी मैंने डाली है थोड़ी सी, 1/2 छोटी चम्मच के बराबर। आपको तीखा नहीं पसंद है तो तीखा ना डालें, नहीं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट करके। तो इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मैंने नमक डाला है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। मसालों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गए हैं। इतने में हमारा ये ऑयल भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच के बराबर हींग। हल्का सा गर्म है तो इसमें इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। 1/2 छोटी चम्मच सरसों ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को जो मैं डाल रही हूँ मसाले, इनका फ्लेवर ऑयल में बहुत अच्छे से आ जाता है। 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। तो ये जो मसाले मैंने ऐड किए हैं इन सब का फ्लेवर ऑयल में अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल हल्का सा गर्म है अभी। और 1 छोटी चम्मच मेथी दाना भी इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे आंवला भी बॉयल हो गए हैं, 3 से 4 मिनट मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है और इनका कलर जो है इस तरीके का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है। बीच में से ये कटने भी लगे हैं तो इसका मतलब है हमारे आंवला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए हमारा ऑयल भी रेडी हो गया है, एकदम फ्लेवरफुल ऑयल बन के तैयार हुआ है। इसे हम अचार में यूज़ करेंगे और आंवला भी हमारे बॉयल हो गए हैं तो आंवला को निकाल करके ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आंवला बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, क्रैक आने लगे हैं। बस इसी स्टेज पे आपको निकाल लेना है, ओवर कुक नहीं करना है। आंवला को निकाल करके एक प्लेट में रखेंगे और इन्हें ठंडे कर लेंगे। तो आंवला को पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसका अचार बनाइए। तो यहाँ पे देखिए आंवला जो है अभी हल्के से गर्म है, तभी मैं इनको तोड़ रही हूँ। इस तरीके से ये अपने आप ही इनकी कलियाँ कलियाँ अलग हो जाएंगी, एक और बीज को निकाल देना है आपको। इस तरीके से सारे आंवला को आपको इनकी कलियों को अलग कर लेना है। कलियों को अलग करने के बाद आंवला को बिल्कुल ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे आंवला हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इसका अचार बना सकते हैं। तो अचार बनाने के लिए जो मसाला हमने रेडी किया था वो मसाला इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल हमने बनाया था मसालों के साथ फ्लेवरफुल ऑयल, वो इसके अंदर डालेंगे। सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। एक सूखे चम्मच से आपको इसे मिक्स करना है, बिल्कुल भी पानी और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए एकदम बिल्कुल सूखे चम्मच से आपको मिक्स करना है। कलर थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च के भी बना सकते हैं आप इसे। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और ये देखिए अब इसका कलर देखिए आप, बहुत ही अच्छा कलर आया है और एकदम चटपटा सा हमारा ये अचार बन के रेडी हो गया है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें। कंटेनर एकदम सूखा होना चाहिए जिसमें आप इसे स्टोर करें। तो अभी मैं इसको इसी के अंदर छोड़ रही हूँ 1 दिन के लिए और 1 दिन मैं
इसको रात भर इसी के अंदर छोड़ दूंगी ढक करके, और दूसरे दिन मैं इसको कंटेनर में भर के रखूंगी। तो ये हमारा आंवला का अचार बन के रेडी है। आप ये आंवला का अचार बनाइए, आपका आंवला का अचार भी बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।